हेलो माइक चेक। चलो शैल वी स्टार्ट गाइस? पक्का? ओके। चलिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो, कल कुछ बहुत अच्छा पढ़ रहे थे हम लोग, याद है क्या आप लोगों को? क्या पढ़ रहे थे? इलास्टिसिटी के बारे में कुछ बातचीत हो रही थी और अच्छा लग रहा था कल, है ना? काफी इजी कॉन्सेप्ट था। तो मुझे बताइए, अगर प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जो है, वो फॉर्मूला क्या है प्राइस इलास्टिसिटी का? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100 इनटू 100। वेरी गुड, सही है एकदम। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और इसका जो कोएफिशिएंट है इस फॉर्मूला से जो अपने को आंसर मिलेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या इग्नोर करते हैं? नेगेटिव साइन हम लोग इग्नोर करते हैं। पक्का? यस सर। ओके, उसके बाद मुझे बताओ कि जब तक आपसे बोला ना जाए आपको कौन सी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है? ओके, प्राइस इलास्टिसिटी। अब जब ये नंबर जो आएगा, अपने को नंबर कौन से आएंगे अपने को? इट विल बी 0, लेस देन 1, 1, ग्रेटर देन 1 एंड इनफाइनाइट। सही है एकदम। यस सर। 0 का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक। श्योर एकदम? यस सर। ग्रेटर देन 1? रिलेटिवली इलास्टिक। लेस देन 1? रिलेटिवली इनइलास्टिक। 1 एंड इनफाइनाइट मतलब परफेक्टली इलास्टिक। सही एकदम। ओके, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस। परफेक्टली इनइलास्टिक। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यूनिट इलास्टिक। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। रिलेटिवली इन इलास्टिक। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। रिलेटिवली इलास्टिक। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इनफाइनाइट विद द स्लाइटेस्ट चेंज इन द प्राइस। परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर एकदम? ओके, अब यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिमांड कर्व्स के बारे में। अ डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स परफेक्टली इनइलास्टिक। अ डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट परफेक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूनिटरी इलास्टिक। उसके बाद मुझे बताइए कि स्टीपर डिमांड कर्व रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड अवे फ्रॉम वाई एक्सिस फ्लैटर डिमांड कर्व रिलेटिवली इलास्टिक। समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, अब मुझे बताओ व्हेन द चेंज इन प्राइस इज वेरी स्मॉल तो कौन सा इलास्टिसिटी है? पॉइंट इलास्टिसिटी। बट व्हेन द चेंज इन प्राइस इज वेरी लार्ज मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। और अपने को फिर यहां से मिड पॉइंट इलास्टिसिटी को कंटिन्यू करने का है। मतलब आ रहा है आपको सब? ऐसे कैसे पढ़ रहे हो आप लोग घर जाके? ओके गुड, अच्छा है। सो प्राउड ऑफ यू गाइस। मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरीके से अगर आप पढ़ते रहोगे, मतलब जैसे अपना डे 1 से लेके लास्ट डे तक, इफ यू कंटिन्यू स्टडिंग लाइक दिस ओनली, आप आराम से जनवरी अटेम्प्ट क्रैक कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है क्या अभी तक? मतलब देखो, मैंने आपको डे 1 पे क्या बोला था, सीए ये सिलेबस जो है ये डिफिकल्ट नहीं है, ये वास्ट है। ये डिफिकल्ट क्यों बनता है? क्योंकि अपने को कम समय में इतना वास्ट पोर्शन अपने को कवर करना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप इतना बस अपने आप के लिए समझ जाना कि रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करके रेगुलरली रिविजन में आपने पार्टिसिपेट करना है। आपने जो भी आपको होमवर्क मिलता है अकाउंट्स मैथ्स में, आपने वो रेगुलरली आपने वो होमवर्क करना है आपने। एंड रोज का थोड़ा थोड़ा जितना जो डिफाइंड टास्क आपको दिया हुआ है ना, उतना अगर आप करोगे ना तो आपको ये जर्नी काफी आसान लगेगी। देखो करना तो है, मैं क्या बोल रहा हूं, करना तो है। एक धोखा खा के करना है या बिना धोखे खाए अपने को बस आगे बढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना है। समझा क्या बात को? मतलब एक अटेम्प्ट लगेगा, फिर उसके बाद आप बोलोगे काश मैं कर लेता, फिर आप करोगे। अगर ऐसा किसी को लगता है, नहीं सर एक थोड़ा वो ऐसा लगता है सर, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, धोखे खाने से आती है, तो अज्यूम कर लो कि आपका एक अटेम्प्ट हो गया है। एक बार रो लो ऐसे झूठ मूठ का, फिर आप पढ़ाई को लोगो कि नहीं बाबा, क्योंकि सीए में ना सब देखने को मिलता है।
सीए में सब देखने को मिलता है। आज तक कभी आप फेल नहीं हुए जिंदगी में, सीए आपको फेलियर दिखा देगा। आज आप सीनियर हो, कल आप जूनियर हो सकते हो। सीए में ये भी गेम चेंज होता है, समझ रहे बात को? तो ऐसा बहुत कुछ है, बट अपने को ये सब एक्सपीरियंस करना है क्या? नहीं, अपने को सिर्फ ऊपर जाना है। तो उसके लिए एक ही चीज है, वो क्या है? रोज का काम रोज करो। वो मेरे दादाजी कहते थे कि एक दिन खाना छोड़ने से आप पतले नहीं हो जाओगे, या एक दिन बहुत सारा खा के आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी। अगर आपको पतला होना है तो रोजाना आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा, या आपको गेन करना है तो भी आपको रोजाना डाइट फॉलो करना पड़ेगा। आप बोलोगे एक ही दिन भारत माता की जय, ऐसा पढ़ाई करूंगा ना सर, देखना फिर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। मतलब देखो, जहां अप्रिसिएशन जरूरी है वहां अप्रिसिएशन जरूरी है, जहां डांट लगाना जरूरी है वहां डांट लगाना भी जरूरी है। क्योंकि क्या, वो इंसान को नहीं तो क्या, टीचर अरे साला रोज इस गालियां मार रहे, तो हम इतना पढ़ रहे कभी अच्छा बोला नहीं आज तक, होता है ना ऐसे। तो जहां अप्रिसिएशन चाहिए, यस आई अप्रिशिएट माई स्टूडेंट्स, एंड जहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां पे आपको डांट लगाना भी जरूरी है। सो गुड, ऐसे ही रोजाना रेगुलरली क्लासेस आया करो, रिविजन में पार्टिसिपेट करो, अकाउंट्स मैथ्स का होमवर्क नहीं करते होंगे तो करा करो, आप आराम से क्रैक कर लोगे। कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी मैक्रो भी खत्म किया था मेरे साथ, उनको ये पूछ लेना, जो नए बच्चे हैं उनको पूछ लेना कि हम इसी स्टाइल से पूरे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। ऐसा मैं झूठ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसी स्टाइल से, इसी फैशन से नोट्स बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे टिल द वेरी एंड। आपको बस टिल द वेरी एंड डटे रहना है, मैं रहेगा इधर। मेरा फंडा लाइफ का एकदम सिंपल है, जब मैं पढ़ाता हूं तब मैं फुल पढ़ाता हूं, मस्ती करता हूं तो फुल मस्ती करता हूं, देर इज नो इन बिटवीन। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट यू ऑल्सो, जनवरी इज द गोल नाउ। पिछले वालों का सितंबर गोल था, नाउ इट इज जनवरी। ओके यस, चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, ये थोड़ा पेप टॉक के बाद। ऐसा कभी कभी थोड़ा सा डोज जरूर देता है आप लोगों को, ऐसा है थोड़ा दे दो सर, ऐसा है ना मजा आ जाता है, टाइम पास होता है क्लास में, बढ़िया है एकदम। चलो तो मिड पॉइंट इलास्टिसिटी की बात करते हैं। अभी दोस्तों मिड पॉइंट इलास्टिसिटी पे आते हैं, जरा कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा बिल्ड करते हैं, समझते हैं। तो यहां पे मालिक अपन क्या करते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। आप लिखे ना कुछ भी, आप आराम से बस क्या करें, समझते जाइएगा। तो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, यहां पे पहले अपन लिखते हैं क्या, सिचुएशन नंबर वन। पहली बात क्या हो रही है, अपन लिखते हैं, मान लो एक प्रोडक्ट लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लो। और यहां पे हम लोग दिखते हैं, यहां पे प्राइस एंड क्वांटिटी अगर अपन देखते हैं, लिखना मत अभी कोई भी, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर वो आपका स्पेस मैनेज नहीं होगा। तो यहां पे अपन क्या देखते हैं, प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है इट इज व्हाट, 100, कितना है 100। एंड प्राइस जब बढ़ जाती है 30 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाती है, 50। क्लियर है एकदम? यस। तो ऐसे केस में अपने को उस आइसक्रीम का या चॉकलेट का प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, ठीक है। तो हम सबको पता है प्राइस इलास्टिसिटी बच्चों कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या 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 क्या, ओल्ड डिमांड। कौन बोला, तू बोलेगे धूका फटके, अभी इतनी तारीफ करी लगी उसके गुड़ गोबर कर दिया। चलो क्या है फॉर्मूला, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। गलती करने का अभी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी, मैंने क्या कहा, बोलते रहने का क्लास में, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत तो गलत ना, क्लास में गलती करी हुई इज मच बेटर देन एग्जाम में करी हुई, समझ में आया क्या आपको? हाँ, सो बोलो फॉर्मूला क्या है, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। वेरी गुड, सो न्यू डिमांड इज व्हाट बेटा, 50 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इंटू 100। सो अब क्या होगा, 50 माइनस 100 इज माइनस 50 डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट है, होल डिवाइडेड बाय 30 माइनस 10 इज 20
डिवाइडेड बाय 10 दैट गिव्स अस 50 अपॉन 100 इज 0.5 बराबर डिवाइडेड बाय 2 सो दिस गिव्स अस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना 1 कितना अच्छा हाँ उसको डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना हाँ माइनस 0.25 देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0.25 क्या ये आ गया क्या अपना और इधर अपन क्या बोल रहे हैं अपना जो प्रोडक्ट है ये कैसा है सो इट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक सही है एकदम सो अब ये जो है आइसक्रीम बेचने वाला है उसको क्या नजर आ रहा है कि अगर अपन प्राइस बढ़ा देंगे ना तो अपना प्रोडक्ट तो क्या है रिलेटिवली इनइलास्टिक है ठीक है ना रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो अच्छा खुश हो गया वो अभी अपन क्या करते हैं रिश्ता वही सोच नहीं क्या बोला सर ने रिश्ता वही सोच नहीं अब मतलब क्या है सिचुएशन टू की बात करते हैं प्रोडक्ट वही बट अब वो क्या बोलना चाह रहा है वो शॉपकीपर कि सर अगर हमारा प्राइस 30 और 50 होगा नाउ वी वांट टू रिड्यूस द प्राइस मैं क्या कर रहा हूं नंबर्स क्या कर रहा हूं बस रिवर्स कर रहा हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे एक अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या इंपैक्ट होगा और एक अगर प्राइस कम होगा तो क्या इंपैक्ट होगा इलास्टिसिटी पे मैं ये मिड पॉइंट इलास्टिसिटी का लॉजिक आपको बेस दे रहा हूं आपको ठीक है ना सब जगह पे डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बोला जाता है और बात खत्म हो जाती है हमें ऐसा काम करना नहीं है सो 30 और 50 तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 and 100 सो ऐसा उसको नजर आ रहा है तो अब हमको वो फिर से बोलता है कि सर प्लीज आप क्या कीजिए आप प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कीजिए तो प्रोडक्ट वही है बराबर है सिर्फ प्राइस एक जगह क्या हो रही थी बढ़ रही थी दूसरे जगह अपन क्या कर रहे हैं मालिक प्राइस कम कर रहे हैं सो यहां पे अपना फॉर्मूला क्या है बताओ वापस से न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस वेरी गुड सो यहां पे न्यू डिमांड इज 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 होल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 इंटू 100 करेक्ट एकदम तो इससे क्या आया अपना 100 माइनस 50 इज 50 डिवाइडेड बाय 50 होल डिवाइडेड बाय माइनस 20 डिवाइडेड बाय 30 That is equal to 1/2/3 मतलब कितना हुआ 0.67 सो ये इधर माइनस लिखेंगे सो कितना है आंसर माइनस मतलब 1.5 आ गया यहां पे सो माइनस 1.5 एंड देयर फोर प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1.5 तो बेटा ये अपना प्रोडक्ट कैसा हो गया यहां पे रिलेटिवली इलास्टिक अभी क्या हुआ ना प्रॉब्लम हो गया एक क्या प्रॉब्लम हो गया सर सेम प्रोडक्ट इलास्टिसिटी अलग प्रोडक्ट एक इलास्टिसिटी अनेक बिजनेसमैन जो है वो कंफ्यूज हो गया ना भैया समझ रहा है क्या हो रहा है वो बोल रहे हैं अरे यार मैं चलो ठीक है मेरे को समझ में आ गया इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट बाय हाउ मच इट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड पर यार ये तो नाइंसाफी हो गई मेरे को समझ नहीं आ पा रहा कि भाई प्रोडक्ट जो है ये नक्की इलास्टिक है या इनइलास्टिक है व्हाट एग्जैक्टली इज माय प्रोडक्ट तो अब मैं अगर प्राइस बढ़ाऊं तो आप बोल रहे हो इनइलास्टिक अगर कम करूं तो बोल रहे हो इलास्टिक समझ नहीं आ पा रहा यार यार ऐसा मत करो यार एक प्रोडक्ट है तो एक इलास्टिसिटी दो तो हमने कहा चलो ठीक है इसके ऊपर भी कुछ तो भी करना पड़ेगा
तो अपन क्या करते हैं अभी, ये इलास्टिसिटी में डिफरेंसेस क्यों आए इसको थोड़ा अपन फोकस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। अभी अगर आप देखोगे यहां पे फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद आप अगर फोकस करोगे तो यहां पे क्या है 50, नेगेटिव साइन तो वैसा भी इग्नोर हो रहा है, इधर भी 50 है, तो न्यूमरेटर के वजह से तो डिफरेंस तो है नहीं भैया, क्योंकि दोनों जगह सेम है, डिफरेंस क्या है प्लस माइनस का। बट ऐसे भी अपन नेगेटिव साइन को इग्नोर करते ना बच्चों, थोड़ा अच्छा है, समझा क्या लॉजिक बता रहा हूं मैं अभी, अपन कैसा फॉर्मूला डेवलप कर रहे, लर्न नहीं करने का कुछ भी। अब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर रे बच्चों, ये क्या है 20, इधर क्या है 20. तो कर लो बात, इधर भी डिफरेंस नहीं है, तो दोनों न्यूमरेटर के वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा है। बट यदि आप अगर फोकस करेंगे इधर क्या है 100 और इधर क्या है 50, ये डिविजिबल फैक्टर चेंज हो रहा है, इसके वजह से अपना आंसर अलग आया। इधर भी देखो 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 क्या लिखा, इधर 10 और इधर तो इधर भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसके लिए आंसर अलग अलग है। तो सर दोनों जगहों पे न्यूमरेटर सेम है बट दोनों जगहों पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये डिनोमिनेटर बदलने के वजह से हमें बोलो बोलो दोनों इलास्टिसिटीज अलग अलग मिल रही है। तो अभी आप मुझे बताओ बच्चों क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो टेल मी, चलो पहले बच्चों बोलो, दोनों जगह सेम होना चाहिए कि नहीं, सिचुएशन वन में भी सेम होना चाहिए और सिचुएशन टू में भी सेम होना चाहिए। तो ऐसा अगर सेम लाना है तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा एवरेज, लेके बात नक्की कर लो सर, खत्म कर लो बात को, समझ में आएगा आपको। तो एवरेज लेते हैं मतलब ही क्या कर रहे हैं, दो एक्सट्रीम्स के बीच में का लेते, दैट इज मिड पॉइंट, खत्म। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो यहां पे न्यूमरेटर में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, क्या बच्चों यहां पे आपको कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं। उसके बाद यहां पे डिनोमिनेटर की बात करते हैं, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, इधर कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यहां पे ये अपना इंटू 100 और ये इंटू 100, इधर कोई दिक्कत है क्या, नहीं, वो फॉर्मूला में सब वो सेम रहेगा, बदलेगा तो क्या बदलेगा, डिनोमिनेटर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पे, इट विल बी न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय 2, समझ में आया आपको। एंड उसके बाद इधर क्या लिखेंगे, न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय 2, सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर व्हाट, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। वी टेक द एवरेज एट बोथ साइड्स, मिड पॉइंट। जब आप अगर बुक में ये फॉर्मूला देखोगे तो आपको ये 2 और ये 2 नहीं दिखेगा, पूछो क्यों, क्योंकि वो कट हो जाएगा, वो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला क्या दिखता है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू प्लस ओल्ड होल डिवाइडेड बाय न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू प्लस ओल्ड। फिर बच्चा बोलता है सर आपने यहां पे डिवाइडेड बाय 2 किया था, सर वो बुक में है नहीं, आपका फॉर्मूला गलत है, नहीं, वो ये लॉजिक है कि वो 2 और 2 मतलब मिड पॉइंट ले रहे हैं अपन, बट वो न्यूमरेटर में भी 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है, इसके लिए वो दोनों क्या हो रहे हैं, वो कट हो रहे हैं। जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको ये 2 और 2 कट हो जाएगा, जैसे 100 और 100 कट हो जाता है, समझ में आएगा आपको। बट हम लोग फिर भी लिखेंगे क्यों,
क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि वी आर टेकिंग द मिड पॉइंट। समझ में आया आपको? क्लियर है। अब क्या करना होगा अपने को, वही चीज फिर से सॉल्व करके देखनी होगी अपने को कि अपना आंसर क्या सेम आता है क्या, एंड अगर आ गया तो लाइफ झिंगा लाला, मजा ही आ गया, फिर तो फॉर्मूला खत्म हो गया, बराबर है। सो अभी वैसे ही फिर से इसको सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन सिचुएशन वन, क्या लिखेंगे बाबू? प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्या था? 10, 100, 30 and 50। सॉल्यूशन बोलो फॉर्मूला, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय न्यू प्लस ओल्ड डिवाइडेड बाय टू होल डिवाइडेड बाय, ऐसे क्या तो चलेगा ना, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, हाँ, डिवाइडेड बाय क्या लिख रहे हैं, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय टू। सो क्या आया यहाँ पे, माइनस 50 डिवाइडेड बाय 150 डिवाइडेड बाय 2 75 डिवाइडेड बाय 75 होल डिवाइडेड बाय 30 माइनस 10 इज 20 40 बाय 2 इज 20। सो फटाफट बता दो, 50 अपॉन 75 कम ऑन 0.67 माइनस डिवाइडेड बाय 1, सो देयरफॉर क्या बोलेंगे, इट इज इक्वल टू माइनस 0.67, देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0.67। परफेक्ट है एकदम, मजा आ गया यहां पे, सिंपल था। अभी अपने को डेंटेड एंड चेक करना पड़ेगा सिचुएशन टू में आंसर वही आता है क्या, नहीं नहीं तो फिर गड़बड़। 30, 50, 10, 100 सॉल्यूशन बोलो फॉर्मूला, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50 बाय 75 डिवाइडेड बाय माइनस 20 बाय 20 इज इक्वल टू, ऐसा तो मेरा माइनस बहुत फास्ट है, 0.67 डिवाइडेड बाय माइनस 1, देयरफॉर इलास्टिसिटी कितना आया, माइनस 0.67, देयरफॉर प्राइस, ये आ गया शेम टू शेम, शेम शेम नहीं बेटा, शेम टू शेम। सो दैट्स इट। तो यहां पे अपने को क्या हो जाता है गाइस, एक इलास्टिसिटी अपने को यहां पे मिल जाती है, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है एकदम? तो लॉजिक के साथ समझ में आया कि व्हाई आर वी टेकिंग द एवरेज, ये तो क्या हो जाता है, मिड पॉइंट पढ़ाया कैसे जाता है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब वी हैव टू टेक एवरेज, दैट्स द चेंज इन द फॉर्मूला। ओके गाइस चलो लेट्स प्रोसीड, Why are we taking the average? कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, बच्चा भी बोलता है हाँ, अब बच्चा क्या ही क्वेरी पूछे जब उसको खुद को नहीं मालूम क्या हो रहा है, गॉट इट? तो यहां पर अपना मिड पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला इज ऑल्सो ओवर। सो एग्जाम में वेन द क्वेश्चन इज गिवेन आपको केयरफुली रीड करना है, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी या पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी बोला तो नॉर्मल प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यूज करने का, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी बोला तो यू हैव टू सॉल्व यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर है एकदम? क्या भी अपन लिखेंगे इसको? बिल्कुल लिखेंगे ना सर, कल मिड पॉइंट का टेक्स्ट लिख के हो गया था ना, क्या नहीं नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं, दो एक सेकंड में लिख लेना उसको क्या है। हाँ बेटा लगाता हूं बेटा,
हाँ, अरे गाना खत्म होने तक लिखना नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। क्या 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 बोल रहा है? फ्लो बढ़िया था एकदम ऐसा। आजा दो चार ठुमके भी लगा दे तू, उसमें क्या है, फ्लो फ्लो में रोकना नहीं अपने आप को। आ रहा है, देख कितने तेरे सपोर्टिव दोस्त है। चलिए क्या बेटा, आप देखो अपना दर्द यहां मत बया करो, तुम कोई मिल नहीं रही है तो तुम ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट। यस एवरीवन, ओके सो हम क्या फिनिश करें अभी? अरे भूल गए क्या? अरे क्या फिनिश करा हमने अभी? मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। गाना नहीं बेटा, गाना तो अधूरा रह गया और बेचारे के अरमान भी अधूरे रह गए उसके उसके साथ साथ हमने, बट बस एक मिड पॉइंट इलास्टिसिटी हमने फिनिश किया था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ओके, चलो कोई बात नहीं बेटा, वेलकम बैक, स्टे स्ट्रांग, हिम्मत मत हारना, जिंदगी में उम्मीद कायम है, है ना। चल क्या क्या क्या, और एक बार ऐसे थोड़ी होता है, मैं नहीं सुना, मैंने चीटिंग करता है तू। चलो सो अब यहां से चलिए बच्चों, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट में किसी को कुछ क्वेरी डिफिकल्टी? अरे बोलो बच्चों, एकदम सिंपल है। तो प्राइस इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी को भी आर्क इलास्टिसिटी बोला जाता है। उसका एक फॉर्मूला जो है सेगमेंट अपॉन सेगमेंट, वो हम लोग जब बुक में पढ़ेंगे तो उस समय पे आपको मैं समझा दूंगा कि उस फॉर्मूला का क्या मतलब है, एंड उस डिमांड कर्व पे हर एक अलग अलग पॉइंट्स पे अपने को अलग अलग इलास्टिसिटी क्यों मिलती है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है ओके, अब यहाँ पे हम लोग अभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ये डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, बराबर, इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट इन द क्वेश्चंस के सीरीज में, तो ये पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। टॉपिक क्या है, तो हम बात कर रहे हैं, इट इज अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है टॉपिक का नाम गाइस? Determinants of price elasticity of demand, मतलब exactly क्या पढ़ रहे हैं सर हम लोग? So determinants of price elasticity of demand की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी अपन ने देखा ना कि इलास्टिसिटी क्या हो रहा है, कभी कभी जीरो आ रहा है, कभी लेस देन वन है, कभी वन है, कभी ग्रेटर देन वन है, कभी इनफाइनाइट है। तो सवाल ये आ रहा है कि सर आखिरकार ये अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटीज क्यों मिल रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटीज, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? समझ में आ रहा है आपको कि क्यों कभी कोई प्रोडक्ट इनइलास्टिक होगा, क्यों कभी कोई प्रोडक्ट इलास्टिक होगा? ये अपने को समझना बहुत जरूरी है। इसका रीजन क्या है? देखो, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। अगर मुझे बताओ, आपको अगर लगता है आपका प्रोडक्ट प्राइस को लेके इनइलास्टिक है, आपको प्राइस बढ़ाने में हिचकिचाहट होगी क्या? आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है अगर आप प्राइस बढ़ाओगे भी तो भी क्या होगा, पब्लिक प्रोडक्ट को खरीदेगा ना बच्चा, समझा गया बात को? बट अगर आपको लगता है आपका प्रोडक्ट प्राइस को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लोग इमोशनल हो रहे हैं, मतलब उसमें प्राइस इलास्टिसिटी है, तो आप 10 बार सोचोगे प्राइस बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं करके। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको उन फैक्टर्स को, उन रीजंस को समझना है कि आखिर किस वजह से सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज इलास्टिसिटी यहां पे है। समझ में आ रहा है आपको? बोलो यस और नो। यस, जब एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इस टॉपिक में शायद आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे नंबर वन अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे, वी टॉक अबाउट इज सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सब्स्टिट्यूट्स। अब बेटा सब्स्टिट्यूट्स में हम लोग दो चीजें लिखते हैं, क्या? एक तो सब्स्टिट्यूट बेटा अवेलेबल है या तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। लेट्स कीप इट सिंपल, प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, बात खत्म हो गई।
आपको क्या लगता है, अभी आपने देखो ये जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, अब आपको आपका लॉजिक लगा के आपने ये चीजें डेवलप करनी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान नहीं रहेगा। तो आप खुद सोचिए, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इंसान, देखो सिंपल बोलता हूं, इंसान इमोशनल होगा या नहीं होगा इतना बताओ। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इंसान इमोशनल होगा या नहीं होगा, सोच समझ के बोलना। होगा, कौन कौन है हाथ ऊपर करे। ओके, नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनना, यहां पे इन दिस यर आई हैव इज अ कप ऑफ कॉफी एंड अ कप ऑफ टी, ठीक है। अब यहां पे जब इसकी प्राइस बढ़ेगी, इसके डिमांड पे क्या इंपैक्ट होएगा, कम होगा क्या? पक्का? मतलब आपने रिस्पॉन्स किया, बोलो आया ना, अब इमोशनल हुए, आपको इसकी प्राइस में आपने सेंसिटिविटी पाई आपने, क्यों? क्योंकि आपके पास क्या अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो इसकी जरा सी प्राइस चेंज हो जाएगी तो उसकी डिमांड उससे ज्यादा चेंज होगी या उससे कम चेंज होगी? ज्यादा चेंज होगी। मतलब इसमें इलास्टिसिटी है या नहीं है? बिकॉज क्या अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अब बोलो इलास्टिक या इनइलास्टिक, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, इलास्टिक है कि नहीं? क्योंकि आप समझिए, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होने के वजह से लोग जो है ये सेंसिटिव हो रहे, इमोशनल हो रहे कि भाई इसने प्राइस बढ़ा दिया तो व्हाई शुड आई पे एक्स्ट्रा हियर नाउ व्हेन द सेम प्रोडक्ट आई एम गेटिंग एट अदर प्लेस एट अ लेस प्राइस। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है एकदम बात? सो इसको बोलते हैं अपन क्या, सब्स्टिट्यूट्स जब अवेलेबल होंगे तो क्या हो जाएगा, लोग प्राइस को लेके सेंसिटिव होंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे, योर इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, ग्रेटर देन वन। बट अब सोचो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इलास्टिक या इनइलास्टिक, तो इट विल बी व्हाट, लेस देन वन। कहां जाएगा, चाहिए बराबर के नहीं, सब्स्टिट्यूट है ही नहीं कॉफी, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरे को चाय ही पीना पड़ेगा। लेट अस टॉक अबाउट इंडियन रेलवेज, रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? नहीं, रेलवे रेलवे चे, रेलवेज ने अगर प्राइस बढ़ाई तो क्या फिर भी आप जाओगे? बोलो हाँ या ना। बट ध्यान से समझना, कुछ लोग जो है वो नहीं जाएंगे, कुछ लोग जो है वो नहीं जाएंगे, आप नहीं समझे, ध्यान से सुनना। अगर भारत रेल से 1000 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 1000 पैसेंजर्स, जब प्राइस जो है ये क्या है, मान लो 100 रुपीज, सिंपल एक सिंपलिसिटी के लिए, अब रेलवे ने प्राइस बढ़ा के 500 रुपए कर दिया, कितना टाइम्स प्राइस बढ़ाया, 5 टाइम्स। मुझे बताओ ट्रैवल करने वाले लोग कम होंगे कि नहीं? होंगे, बट कितने कम होंगे, बहुत ज्यादा कम होंगे या कम कम होंगे? कम कम होंगे, बराबर। मतलब 900 लोग ही अब ट्रैवल करेंगे, 100 लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो बोले छोड़ अभी नहीं जाना, हम बाद में जाते हैं, बट 900 लोग तो जाएंगे जाएंगे ना, क्योंकि रेलवे को कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं ना भाई। तो डिमांड कम होगी, बट परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझा क्या बात को? बट अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड वुड बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझा क्या बात को? क्लियर है एकदम? क्लियर है? आराम से इसको बॉडी में जाने दो, अपने आप को समझाओ, सर ने क्या बोला, क्या डिस्कशन हुआ, लेट इट सिंक इन टू योर बॉडी, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कचरा लिखना नहीं है जो पिंक कलर से लिखा है, वो बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है। वो जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन वन, बट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल तो इट विल बी ग्रेटर देन वन। समझ में आया आपको? लॉजिक समझ में आया? क्लियर है? किसी के मन में एक सवाल आ रहा है अभी, बट बोलना नहीं चाह रहे, सर अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इट शुड बी परफेक्टली इनइलास्टिक ना, आ रहे गए सर? आया था, आ रहा है, बट सर हमने हमारे
वो जज्बात हमारे जो है वो पूरे दिल में दबा दिए सर, ऐसा कोई है क्या? ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल भी मतलब डिमांड चेंज नहीं करेंगे, आप डिमांड करेंगे भाई नहीं चाहिए। मैंने ध्यान से सुनना, मैंने ये बोला क्या कि वो प्रोडक्ट एसेंशियल है करके? मैंने ये बोला क्या नेसेसिटी है करके? तुम समझ रहे बात को? क्योंकि अगर क्वेरी आता है आप नहीं पूछोगे तो मुझे खुद से आपका क्वेरी सोचना पड़ेगा, फिर पूछना पड़ेगा आपको। किसी के मन में आ जाएगा कि सर अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो व्हाई आर यू राइटिंग इट एज लेस देन वन, इट शुड बी जीरो, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि वो कंज्यूम करेगा। भाई हमने नेसेसिटी की बात नहीं करी है, और नेसेसिटी होगा भी तो भी वो अलग, उसके बारे में अलग डिस्कशन करेंगे। समझा गया बात को? बोलो यस और नो। यस सर, वेरी गुड। क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं? तो बताओ बच्चों, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी व्हाट? इलास्टिक इनइलास्टिक इतना बोल दो बस। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। अब यहां से बच्चे आगे बढ़ते हैं, और जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इसको और थोड़ा डिकोड करते हैं। ध्यान से समझना, जब यहां पे दो प्रोडक्ट्स आपस में क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है ना? कैसे है? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, एकदम सेम नहीं है बट क्लोज है। मतलब जैसे एप्पल का आईफोन और सैमसंग का फोन, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। बोलो आया ना? तो यहां पे मुझे बताओ इलास्टिसिटी क्या रहेगा? ग्रेटर देन वन, यस, व्हेन टू प्रोडक्ट्स आर व्हाट? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, सो इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? ग्रेटर देन वन। नंबर टू, व्हेन टू प्रोडक्ट्स आर व्हाट? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट मतलब सर डिफरेंस ही नहीं है दोनों में, सेम टू सेम है। मतलब क्या? आप समझिए, अमूल घी या अमूल बटर वर्सेस गोवर्धन घी या गोवर्धन बटर, फर्क किसका है? बस ब्रांड का। अरे बट बटर तो बटर है ना। अरे अमूल का होवे या गोवर्धन का होवे, बटर तो बटर होवे, घी तो घी होवे, ये क्या है बच्चों? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। एक हाथ में आप अमूल बटर लो, एक हाथ में आप गोवर्धन का बटर लो, बताओ कौन सा बटर है? बता सकते हैं क्या आप? नहीं। इसको क्या बोलेंगे अपन सर? इट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट सर, डिफरेंस ही नहीं है सर। तो इसको क्या बोलेंगे अपन यहां पे? इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? चलो आप बताओ अभी, जब दो प्रोडक्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, जैसे मान लो अभी ये एक्स ब्रांड का कप है और ये वाई ब्रांड का कप है, भाई अब बताओ इसका प्राइस एक रुपए से बढ़ गया, बस क्या करोगे आप? इसकी डिमांड जीरो कर देंगे। अरे वो अपना पानीपुरी वाला एग्जाम्पल रहे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ना। आनंद सर जो पानीपुरी बेच रहे, स्वप्निल सर जो बेच रहे, अर्षद सर जो बेच रहे, सेम टू सेम के नहीं? बराबर है के नहीं? तो ये प्रोडक्ट कैसा है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, डिफरेंस ही नहीं है दोनों में भाई। समझा गया बात को? बोलो आया ना? हाँ। तो क्या बोलेंगे इसको? इलास्टिसिटी। बोलो इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? इनफाइनाइट। क्लियर है एकदम? एंड तीसरा अगर मैं बोलू यहां पे, व्हेन टू प्रोडक्ट्स आर टोटली अनरिलेटेड, मतलब उनका आपस में कोई संबंध तालमेल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, दिस एप्पल पेंसिल एंड दिस वॉटर बॉटल, टेल मी गाइज, अगर इस पानी के बॉटल का प्राइस अगर बढ़ता है तो इस एप्पल पेंसिल के डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? बोलो ना, सच्ची बोलो। अगर अरे इस पानी के बोतल का प्राइस बढ़ गया तो एप्पल पेंसिल पे क्या इंपैक्ट आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। अरे जब सर कुछ भी नहीं आएगा ना? क्यों सर? ये दोनों प्रोडक्ट क्या है? टोटली अनरिलेटेड है। तो एक का प्राइस चेंज होगा तो भी दूसरे के डिमांड पे बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं आएगा। सो यहां पे इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू जीरो। समझ में आएगा आपको? एनीवन एनी क्वेरी? पक्का?
यस सर। सो यहां पे मुझे बताइए, क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो बोलो इनफाइनाइट, और कंप्लीटली अनरिलेटेड है तो वेरी गुड। एंड लास्ट, अगर जो भी प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं मालिक, इस प्रोडक्ट में अगर अपन बात करें, प्रोडक्ट को देखें, एज अ होल, ठीक है, मतलब टोटालिटी में देखें, एक सिंगल ग्रुप में देखें उसको, या इसको अपन बेस्ड ऑन ब्रांड्स देखें, सिंगल ग्रुप वर्सेस बेस्ड ऑन ब्रांड। लेट मी गिव यू एग्जांपल फॉर ईच, देन यू टेल मी। सिंगल ग्रुप मतलब आपको सीए की कोचिंग लेनी है, आपको आपको सीए की कोचिंग लेनी है, आपको सिंगल ग्रुप इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लासेस द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेर यू टेक, बट आपको सीए का कोचिंग लेने का है, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक या इनइलास्टिक? सीए की पढ़ाई करनी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन से इंस्टीट्यूशन से लेना है, पर आपको सीए की पढ़ाई करनी है, बोलो क्या इलास्टिक या इनइलास्टिक? आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फर्क नहीं पड़ता आप हर्षद सर से पढ़े, कोई और सर से, कोई और मैम से पढ़े, पर आपको इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी है, तो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए इकोनॉमिक्स का प्रोडक्ट आपको खरीदना है, इलास्टिक या इनइलास्टिक? सोच समझ के बोलो, इलास्टिक या इनइलास्टिक? इनइलास्टिक, क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट तो लेना पड़ेगा ना, आपको कोचिंग तो लेनी पड़ेगी ना। एग्जाम्पल चेंज करते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेस, फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से डॉक्टर से ले या कौन से हॉस्पिटल से ले, बीमार हो गए तो हॉस्पिटल जाना है, फर्क नहीं पड़ रहा है कौन से हॉस्पिटल जाना है, आप समझ में आ रहा है कुछ? तो बताओ इलास्टिक या इनइलास्टिक? हाँ इनइलास्टिक। मोबाइल फोन, फर्क नहीं पड़ता एप्पल का ले, ओप्पो का ले, वीवो का ले, शाओमी का ले, रेडमी का ले या सैमसंग का ले, बट आपको मोबाइल फोन लेना है एज अ ग्रुप, मोबाइल फोन क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक। आपको बाइक लेनी की है, बजाज की ले, बराबर वेस्पा ले, या आप केटीएम ले, भाई कोई भी बाइक ले, एक्टिवा ले, होंडा की ले, भाई मुझे एक बात बताओ, गाड़ी लेनी है ना, बट इलास्टिक या इनइलास्टिक? समझ में आया आपको? जब अपन प्रोडक्ट को एज अ ग्रुप देखते हैं तो यहां पे इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? इट विल बी लेस देन वन, क्योंकि वो प्रोडक्ट चाहिए। चलो कपड़े की बात कर लो यार, सर वो एक्स ब्रांड हो, वाई ब्रांड हो, जेड ब्रांड हो, फर्क नहीं पड़ता, बट कपड़े तो चाहिए ना, कपड़े तो खरीदते ही हो ना, बोलो तो कपड़ों की डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। बट अब हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट? ब्रांड्स। समझा गया बात को? मतलब यहां पे अगर मैं लिखूं सिंगल ग्रुप, जैसे इधर लिखा सीए का कोचिंग, बराबर के नहीं, तो इट विल बी इनइलास्टिक। बट बेस्ड ऑन ब्रांड की अगर बात करें तो एसपीसी इज वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट इन द कंट्री विच इज प्रोवाइडिंग सीए का क्लासेस। ऐसे बहुत सारे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो आप एसपीसी से पढ़ सकते हो, कहीं और से पढ़ सकते हो, तो अब आपको एसपीसी से पढ़ना है या कहीं और से पढ़ना है या कहीं और नहीं पढ़ना है, एसपीसी से पढ़ना है, इधर क्या सेंसिटिविटी हो सकता है क्या? yes, समझ में आ रहा है आपको? सर सीए की पढ़ाई करनी है, उसमें इनइलास्टिक है, कहां से पढ़ना है उसमें इलास्टिसिटी होगी। समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो हाय या ना, वेरी गुड। उसके बाद मैंने कहा हेल्थ केयर, ठीक है, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाना है, अब वो डॉक्टर एक्स के पास जाओ या डॉक्टर वाई के पास जाओ, बट उसमें क्या रहेगा? आपकी इलास्टिसिटी रहेगी, कौन सा डॉक्टर कितनी फीस चार्ज कर रहा है, कौन से डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस है। समझ में आ रहा है आपको? बोलो यस और नो।
जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको कार खरीदनी है, तो भैया वो टाटा की कार खरीदे या वो BMW खरीदे, आपको उसमें क्या रहेगा? इलास्टिसिटी रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इधर क्या लिखूं? व्हेन इट इज बेस्ड ऑन ब्रांड्स इट विल बी ग्रेटर देन वन, बट व्हेन यू कंसीडर इट एज अ सिंगल ग्रुप इट विल बी लेस देन वन। पानी का बोतल खरीदना है, अब वो एक्वाफिना, बिस्लरी, ऑक्सीरिच, ऑक्सीकूल, भाई कितने ही ब्रांड क्यों ना हो, इवोकस, या आप उसमें क्या होगा, पानी का बोतल खरीदना है मतलब खरीदना है, बट आप कौन से ब्रांड का खरीदें उसमें आपको क्या रहेगा? इलास्टिसिटी रहेगा। समझा क्या बात को? सो फर्स्ट पॉइंट पे ही हमने देखो कितना डिस्कशन कर लिया मजाक मजाक में। बुक में ये पूरा ऐसा पैराग्राफ में दे रखा है, एकदम ऐसा टेक्स्ट, वो पढ़ने को ही जान पे आता है वो, कि भाई इतना कौन पढ़े यार। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक टॉपिक का आपको समझ में आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा समरी नोट्स बना रहे, ठीक है ना। सो क्या अब आप ये सब्स्टिट्यूट की अगर बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा सीधा, पर्सनल कंप्यूटर्स और डेस्कटॉप वर्सेस टैबलेट्स, टैबलेट टैब्स विल हैव डैश इलास्टिसिटी। अरे बोलो भैया, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप टैबलेट या लैपटॉप, या लैपटॉप वर्सेस टैबलेट, अरे इनमें क्या रहेगा? इलास्टिसिटी लेस देन वन और ग्रेटर देन वन? हाँ, हे मां माता जी शक्ति दे कि मैं इन बच्चों को मारू। अरे बोलो भाई, मेरे प्यारे बच्चों, डेस्कटॉप और ये टैबलेट क्या आपस में सब्स्टिट्यूट है या नहीं है? सब्स्टिट्यूट है ना। आज जो मैं डेस्कटॉप पे काम कर सकता हूँ, क्या वो टैबलेट पे काम कर सकता हूँ कि नहीं? अरे इसको कीपैड, कीपैड अटैच हो जाता है, इसको विंडोज का है ये सब कुछ, मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ ना। डेस्कटॉप में कहीं और नहीं लेके जा सकता, बट इसको लेके जा सकता हूँ। तो टैब्स वर्सेस, आज 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 दुनिया आज टैब पे क्यों आ गई है भाई? पोर्टेबल डिवाइस है ना, बट है तो कंप्यूटर ही ना। तो सब्स्टिट्यूट होवे के नहीं होवे? क्लोज सब्स्टिट्यूट है के नहीं है? डेस्कटॉप और ये जो लैपटॉप क्लोज सब्स्टिट्यूट है के नहीं? बोलो आया ना। फिर कैसे कर रहे हैं आप लोग? तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? ग्रेटर देन वन बोलेंगे ना। अब उसके बाद एप्पल का टैबलेट और माइक्रोसॉफ्ट का टैबलेट, ये दोनों क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, दोनों तो टैबलेट ही है ना। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं, दोनों सेम ही है सर, सिर्फ पीछे क्या ब्रांड का फर्क है, बट है तो दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बोलो ना भाई, समझ रहा है क्या कुछ आपको? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, समझ में आ रहा है आपको? तो इधर क्या बोलेंगे? इट विल हैव अ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन बिकॉज दीज टू आर वॉट? क्लोज सब्स्टिट्यूट, देर फोर इलास्टिसिटी विल बी वॉट? ग्रेटर देन वन। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, आपको वो ये नहीं बोलेंगे कि वो क्लोज है या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है या क्या है, ये आपको सिर्फ इतना ही बोला जाएगा, लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप विल हैव विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, पेनड्राइव वर्सेस गूगल ड्राइव, बोलो, क्लोज सब्स्टिट्यूट है या परफेक्ट है? क्लोज। आईक्लाउड वर्सेस वन ड्राइव और गूगल ड्राइव, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का है, आईक्लाउड एप्पल का है, गूगल ड्राइव गूगल का है, ये क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। समझा क्या बात को? तो इनमें इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगी, बट पेन ड्राइव हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क और क्लाउड, इसको क्या बोलेंगे अपन? हाँ, समझ में आ रहा है आपको? बोलो कुछ। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसका इलास्टिसिटी बताओ, लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, जीरो, इनफाइनाइट,
तुम उधर बैठेंगे, हाँ न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड, अरे सर ने तो चीटिंग करा, रिफंड। मैं नहीं देखा रिफंड, दिमाग लगाना है आपको, समझ में आएगा आपको। अरे बोलो बच्चों कुछ, यस हाँ, शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर। तो इधर फर्स्ट पॉइंट समाप्त हुआ अपना, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है नहीं है, है तो सब्स्टिट्यूट का अलग अलग कैटेगरी, समझ में आ रहा है क्या आपको? यस, आगे बढ़ते हैं। पहले ये लिखो आप, सर बट आपने बोला था कि इलास्टिसिटी रियल वर्ल्ड में जीरो है, वन और इनफाइनाइट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ए चुप रे, समझ के लिए अच्छे से। डन, चलो हरी अप गाइस, ओवर एवरीवन। चलो सो बढ़ सकते हैं क्या आगे? ये डॉक्टर ऐसे क्रॉस नहीं किया, डॉक्टर एक्स है ये, मैं तो बच्चे को लगेगा डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, एक्स के पास नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर एक्स के पास बोल रहा हूँ। चलो लेट्स प्रोसीड, यस और गाइस, हाँ अच्छे से रो। चलो सो नेक्स्ट, अभी अपन बात कर रहे हैं बी पॉइंट, जो बात कर रहे हैं अबाउट पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी, लिखो साथ में पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। क्या लिख रहे हैं अपन? पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन व्हाट द कंज्यूमर्स बजट, कंज्यूमर के बजट में वो जो कमोडिटी है
वो कितना स्पेस, वो कितनी ज्यादा क्या बोलते हैं पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है उसके बारे में बात हो रही है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। अब जैसे आप लोग देखोगे कि एवरी मंथ पापा या मम्मी की अगर सैलरी या कुछ एक पैसे पापा या मम्मी के पास होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। लेट अस से अगर अपन कह रहे हैं कि पापा मम्मी के पास 30,000 रुपीज है, तो वो 30,000 रुपीज का वो लोग क्या करते हैं, एक बजट बनाते हैं। क्या करते हैं वो, एक बजट बनाते हैं कि इस महीने की जो तनख्वाह आई है मान लो 30,000 50,000 जो भी है, तो उसको हम लोग ने कैसे स्पेंड करना है, एक एक्सपेंडिचर बजट बनाते हैं। मान लो तो अगर मान लो 30,000 रुपीज ये इनकम है, तो पापा क्या बोलेंगे, चलो एक काम करते हैं उसमें का 10,000 रुपीज जो है 1/3 ये अपन सेव करते हैं फॉर फ्यूचर। सो यहां पे क्या हुआ, जो आपका 30,000 रुपीज है इसको चलो पापा ने क्या कर दिया, 15,000 रुपीज पापा ने क्या बोला, चलो इसको सेविंग करेंगे, इसको ये लिखना मत, 15,000 ये सेविंग करेंगे, और बचे हुए 15,000 जो है इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन खर्चा करेंगे। तो 15,000 रुपए कैसा खर्चा करना है इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। लेट अस से पहले हम लोग कहते हैं कि सर 3,000 रुपए जो है ये अपने गए इलेक्ट्रिसिटी बिल में, ज्यादा हो गया क्या 3,000, ज्यादा हो गया सर। सो लेट अस से 2,000 रुपीज ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया 3,000। उसके बाद अपन मान ले, मान के चलो 1,000 रुपए जो है ये आप सबका मोबाइल बिल का, फैमिली का पूरा मोबाइल बिल हो गया मान लो, ठीक है। उसके बाद 3,000 रुपए जो है ये घर का जो है राशन में चला गया खाने पीने का, कम है क्या ज्यादा है, ये कम है, तो चलो इसको अपन क्या करते थे 4,000 कर लेते हैं, महीने का बोल रहा हूं मैं, महीने का 4,000, थोड़ा कम खा तू तो 4,000 रुपए जो है ये मान लो राशन में चले गए, ठीक है। अब कितने हो गए, 4, 5, 6, 7,000 बराबर के नहीं, अब कितने बचे और, हाँ उसके बाद अब अपन बात करें यहां पे तो और क्या खर्चा होता है घर में, घर का रेंट ये नहीं आएगा, अपन मान के चल रहे वी आर लिविंग इन द ओन प्रॉपर्टी, ठीक है। मोबाइल रिचार्ज हो गया ना बेटा, हाँ आपका पेट्रोल डीजल का एक्सपेंसेस मान लो वो जो है वो 2,000 रुपये आपका पेट्रोल डीजल का खर्चा हो गया। फिर उसके बाद मान लो घर में गैस, गैस का कनेक्शन आ गया, तो गैस का कनेक्शन मान लो 1,000 रुपये आपको गैस का लग गए बराबर, तो कितने हो गए पैसे, अभी कितने टोटल कितने हो गए, 10,000 पूरे हो गए, अभी और 5,000 बचे, और 5,000 का खर्चा मान लो, हाँ तो वो राशन में आ गया बेटा, हाँ और कुछ तो होगा 5,000, और क्या खर्चा करते होंगे। अब मान के चलो फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे आपको हेयर कट करना होगा, आपको करना होगा, पापा को करना होगा, मम्मी को करना होगा, महीने में एक बार तो करते होंगे हेयर कट आप बराबर, तो हेयर कट के लिए मान लो यहां पे सपरिवार 500 रुपये चले गए, ठीक है। उसके बाद आपने बोला पापा मेरे को जो है ना स्टेशनरी लेके आने की है, ठीक है, तो मान के चलो 300 रुपये उसमें चले गए आपके स्टेशनरी में, 300 रुपये चले गए। फिर उसके बाद मान लो आप घर पे एंटरटेनमेंट के लिए, नहीं नहीं एंटरटेनमेंट के लिए मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आप मूवीज चले गए बराबर, आप बाहर खाना खाने के चले गए, फैमिली आउटिंग चले गए कभी, तो मान के चलो यहां पे आपके और 2,200 रुपये आपके यहां एंटरटेनमेंट में चले गए, कितने हो गए 2,000 और बचे, साला कितना पैसा है आपने पास, खर्चा ही नहीं खत्म हो रहा, हाँ चॉकलेट शॉपिंग, आज चलो ठीक है। दीदी बोल रहे सर हम लोग कभी है ना ऑन एन एवरेज चलो मान लो 2,000 रुपए का हमने शॉपिंग कर लिया, सो ऐसे करके हमने 15,000 रुपए क्या कर दिया सर, पूरे कर दिया हमने, हाँ बेटा हाँ हाँ बेटा, वो इसमें से आएगी बेटा, वो इसमें से आती है, वो पापा मम्मी जो भी सेविंग करते हैं ना उसमें से आपकी पढ़ाई लिखाई का पैसा उसमें से खर्चा होता है ना, ये रोज के खर्चे है ये, ठीक है ओके। अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, अभी ध्यान से सुनना, आपके जो है पैसे ये खर्चा हो गए, अब यहां पे जो 15,000 रुपये है उसका बजट बनाया है अपन ने, अब इलास्टिसिटी डिपेंड करेगी
ऑन व्हाट द पोजिशन ऑफ अ कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट। ध्यान से सुनना, अभी जैसे आपने पापा को बोला पापा मुझे स्टेशनरी के लिए जो 300 रुपए लगते हैं, पापा आप मुझे ना एक दो बुक्स और ज्यादा खरीदनी है, ठीक है ना, सीए की पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई सर, अकाउंट्स और मैथ्स के लिए बहुत सारे बुक्स लग गए सर, तो अब मुझे दो बुक्स और एक्स्ट्रा खरीदनी है। अब इससे आपका खर्चा 300 के जगह अब आपका मान लो दो बुक्स और खरीदोगे तो 400 रुपए हो जाएगा, 100 रुपीज बढ़ेगा। अब बताओ यहां पे पापा को बहुत स्ट्रेस आएगा क्या, ओह माय गॉड बच्चा यार एक्स्ट्रा 100 रुपए मांग रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, चलो आपने एक्स्ट्रा और 300 रुपए मांग लिए, टोटल 600 रुपए बोल रहे, पापा को स्ट्रेस आएगा क्या, बेटा यार तू एकदम डबल पैसे मांग रहा है यार तू, तो ये तो गलत है, नहीं नहीं बेटा पढ़ाई बंद कर दे, एक्स्ट्रा 300 रुपए नहीं 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 मैं नहीं देगा तेरे को, ऐसा कुछ होगा क्या घर पे, नहीं। क्योंकि आप समझिए बात को कि आप ऑलरेडी इस 15,000 में ये 300 रुपए ऑलरेडी बहुत स्मॉल अमाउंट आप क्या कर रहे हो, आप स्पेंड कर रहे हो, उसमें भी अगर बढ़ेगा तो भी वो बहुत कम ही है ना अमाउंट, तो इधर इंसान को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर, तो उन चीजों की कीमतें बढ़ भी जाए या वहां पे खर्चा बढ़ भी जाए, यहां बोलोगे पापा अभी बुक्स है ना महंगी हो गई, ठीक है ना, तो पापा अभी बुक्स का प्राइस 300 से बढ़ के अभी 450 हो गया, ऐसा कर लेते पापा बुक्स की प्राइसेस बढ़ गई, अब जो है ना 300 के जगह से पापा पहले आते थे अब 450 रुपए में आते हैं पापा बुक्स, अभी प्राइसेस बढ़ा दिए, तो क्या हो जाएगा पापा को स्ट्रेस आएगा क्या, ले ले बेटा 450 रुपए, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरी लेस पोर्शन अपन स्पेंड कर रहे हैं, तो पापा को वहां पे कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा। तो इधर बताओ पापा विल बी इलास्टिक और इनइलास्टिक, हाँ इनइलास्टिक, इसीलिए आप घर पे भी जब पैसे मांगते हो ना तो आप भी बहुत चालाक हो, आपको इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट इनबिल्ट आ गया था आपको, क्या नाम पे पैसे मांगूंगा तो पापा को फर्क नहीं पड़ेगा और पापा दे देंगे, वर्सेस क्या मांग के लूंगा तो पापा मुझे डांट लगाएंगे। जैसे शॉपिंग करना है आपको 2000 ऑलरेडी आपको दे रहे पापा, पापा 2000 के जगह आप थोड़ा एक और 3000 पापा 3000 दे दो ना, पापा बोलेंगे फटके दूं तेरे को, समझ में आ रहा है, ऑलरेडी तुझे 15,000 में से 2000 रुपए शॉपिंग के लिए दे रहा हूं तुझे, दैट कमोडिटी इज ऑक्यूपाइंग अ मेजर पोर्शन इन माय बजट। अब मेरे पास कोई स्कोप नहीं है कि इसका क्या करूं मैं, बजट बढ़ाऊं, और अगर आज की तारीख में कपड़े अगर एक्सपेंसिव हो गए पापा बोलेंगे एक काम कर तू दो कपड़े कम पहन कोई दिक्कत नहीं, दो कपड़े कम पहन इन द सेंस की दो कपड़े कम खरीद, समझ में आ रहा है, ए वो चिचोरे लोग बैठे इधर क्लास में, दो कपड़े कम खरीद, समझ में आया आपको, तो पापा क्या बोलेंगे इधर तू एक्सपेंडिचर कट डाउन कर, प्राइस बढ़ गई ना तो इधर तू एक्सपेंडिचर क्या कर कट डाउन कर, वही रिपीट कपड़े पहन बट नए मत खरीद, समझ में आएगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी वी आर स्पेंडिंग व्हाट मोर। अब देखो इधर अगर अपन यहां पे 4000 रुपीज घर के राशन में सब्जियां खरीदने के लिए आटा चावल दाल ये खरीदने के लिए अपन क्या कर रहे हैं पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप समझिए अगर सब्जियां महंगी हो गई तो क्या हो जाएगा, पापा को खर्चा वापस से सोच समझ के मैनेज करना पड़ेगा ना, पापा बोलेंगे चलो जो एक्सपेंसिव सब्जी है उसको नहीं खरीदी करेंगे, जो सस्ती मिल रही है वो सब्जी खरीदी करेंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता, बीच में अगर मान लो टोमेटो के प्राइसेस बढ़ गए, लेमन का प्राइस बढ़ गया, ऑनियन का प्राइस बढ़ गया, तो घर में लेमन ऑनियन टोमेटो ये बहुत ज्यादा आएगा या कम आएगा, क्यों कम आएगा, क्योंकि सर ना 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 प्राइस बढ़ गया उसके वजह से नहीं, ऑलरेडी हमारे बजट में का हम ज्यादा हिस्सा उस चीज के लिए दे रहे हैं, अब उनकी प्राइसेस जब बढ़ेगी तो हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें उसकी डिमांड जो है वो कट डाउन करनी पड़ेगी, तो हमें रिएक्ट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, हम इमोशनल हो जाएंगे हम रिएक्ट करेंगे, समझा क्या बात को, यहां पे आप मुझे बताइए इधर आपने रिएक्ट किया क्या, बट इधर आप रिएक्ट करोगे क्या, यस क्यों, क्योंकि ना 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 इधर क्या है आप ऑलरेडी कम पोर्शन खर्चा कर रहे हो, समझा क्या बात को, अभी भी नहीं समझ में आया तो लेटर से आपका 2000 रुपए का खर्चा महीने का,
ठीक है, आप आपका महीने का 100 रुपये मान के चलो आप स्टेशनरी खरीदते हो, और आपके 1500 रुपये आप जो है ये क्या करते हो, मान लो ये मेस के लिए आप भरते हो, और फिर 400 रुपये जो आपके पास बचे हैं ये आप आपका टी कॉफी के लिए आप जो है ना ये स्पेंड करते हो, ठीक है ना। बाकी आपके बाकी के पूरे पैसे जो है ना ये घर वाले पुराते हैं आपको, समझ लो ऐसे बात को। आपको 2000 रुपये दिया, क्यों भाई बेटा तेरे को ये जो है ये तेरे को स्टेशनरी के लिए दिया, ये खाने पीने के लिए मेस के लिए दिए तेरे को, और ये 400 रुपये चाय कॉफी रिफ्रेशमेंट स्नैक्स के लिए। अब मुझे बताओ अगर ये 100 रुपये की स्टेशनरी अगर आपकी 150 रुपये हो गई, प्राइस बढ़ गया, हाईलाइटर का प्राइस बढ़ गया, स्टिक नोट का प्राइस बढ़ गया, पेन का प्राइस बढ़ गया, आपको फर्क पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ही चिल्लर अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, तो प्राइस बढ़ के भी आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपका मेस वाला बोलेगा 1500 की जगह अब मैं 2000 रुपये कर रहा हूं, आप क्या करोगे? तू रहने दे, मैं दूसरा मेस वाला ढूंढता हूं। तो आप रिएक्ट कहां करे? आपने इधर आपने क्या किया, रिएक्ट किया, और इधर आपने रिएक्ट नहीं किया। समझा क्या बात को? तो इसका मतलब इधर आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, इधर आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। समझ में आया? पक्का? तो कमिंग टू द टॉपिक, पोजिशन ऑफ अ कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजेट, टेल मी गाइस, इफ दैट कमोडिटी ऑक्यूपाइज अ मेजर पोर्शन, इफ दैट कमोडिटी ऑक्यूपाइज अ मेजर पोर्शन, दैट इज द पोजिशन इज मोर और द पोजिशन इज लेस, यू टेल मी नाउ, इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या होगा? जब हम किसी चीज के ऊपर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और उसका भाव बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। घर में दिया बत्ती करने के लिए मैच बॉक्स लेके आते हैं हम लोग, बराबर है कि नहीं? अब वो मैच बॉक्स 1 रुपए का 2 रुपए हो गया, पापा क्या बोलेंगे? नहीं नहीं बेटा, मैच बॉक्स कहां लेके आता है अभी, 100% प्राइस बढ़ गया है। फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चिल्लर अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं उस पे, तो उसका प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं ना उस पे, तो हमें उसका दर्द नहीं होगा। सो यहां पे इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, लेस देन 1। समझ में आया आपको? बोलो यस सर। खत्म, लिख लो इसको। लिख लिया? यस सर, वेरी गुड। सो मोर लेस, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। यस परफेक्ट। सो यहां से आगे स्टोरी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, ऐसे और बहुत सारी लिस्ट है जिससे क्या होता है वो प्रोडक्ट इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय।